नाम आ रहा होगा तो कैपिटल वाई यूनुस वाले पर आप मैसेज करेंगे तभी मैं आपका मैसेज देख पाऊंगा। तो मेरे दो नाम से आएगा, तो चैट यू कि हमको समझ में आया नहीं आया जो भी करना है, कैपिटल वाई यूनुस वाले पर कीजिए। बताइए मेरी आवाज आ रही है सबको, जल्दी बताइए यस या नो, इस वाले पर चैट करके बताइए जल्दी से, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, दूसरे वाले पर मैसेज कीजिए, आप मेरे फ्रंट वाले पर कीजिए, फ्रंट फ्रंट वाले पर कीजिए, कैपिटल वाई वाले पर कीजिए, आपका मैसेज सामने वाली मोबाइल पर। दो नाम होगा, हाँ अब दिखा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अब मैसेज आ रहा है आप लोगों का, हाँ इसी वाले पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सबको एकदम बोर्ड क्लियर दिख रहा है अच्छे से, सबको बोर्ड अच्छे से क्लियर दिख रहा है? अच्छा जो आईडी से आए हैं WKCS उनका क्या नाम है, नाम बता दे वरना मैं रिमूव कर दूंगा। WKCS जो अपने पूरे नाम के साथ नहीं आएंगे, Galaxy A50 कौन है नाम बताएं, Galaxy A50 नाम लिखकर बताएं। हाँ आरफा खान, वेरी गुड, चलिए ठीक है, चलिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और सॉल्यूशन चैप्टर लिखिए सारे लोग, सॉल्यूशन सारे लोग चैप्टर का नाम लिखिए सॉल्यूशन। चलिए अच्छे से समझिए, देखिए इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक सॉल्यूशन है, लेकिन हम आप इसको इस तरह पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इस चैप्टर का मेनली नाम है लिक्विड सॉल्यूशन, तभी आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब लिक्विड सॉल्यूशन की पहचान क्या है वो अभी डिस्कशन में आएगा। तो यहां ध्यान दे सारे लोग, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, छोटी सी डिफिनेशन लिखिए सारे लोग। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। पहली बात तो ये कि सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। ऐसे भी आप जानते हैं मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको, बताइए एक दफा।
मुझे सारे स्टूडेंट का मैसेज नहीं दिख रहा है, मैंने जिस नंबर नाम पर क्या उसी पर मैसेज करें प्लीज, कैपिटल वाई वाई यूनिस वाले पर करें। किस बच्चे को डाउट है फिर मैं नहीं बता पाऊंगा, वो मैसेज में नहीं दिख रहा है, आप कैपिटल वाई यूनुस वाले पर करें, कैपिटल वाई पर हाँ प्लीज, वरना तभी डाउट क्लियर होगा, फिर बाद में कहेगा हमको नहीं समझ में आया। आमना आपने क्या पूछा था? अबू हुरैरा समझ में आया ये डिफिनेशन सबको? तो कोई भी पूछे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट से मिलकर बनेगा वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होगा, आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। बताइए डिफिनेशन सबको समझ में आ गया? अब आइए, वेरी गुड, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। दूसरा लिखिए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। एक को कहते हैं सॉल्वेंट, एक को कहते हैं सॉल्यूट। देखिए सॉल्वेंट की जनरल डिफिनेशन होती है द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट दैन अदर कंपोनेंट, जो लार्जर अमाउंट में होता है इस कॉल सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट की लिखने की जरूरत नहीं है, जो मिनिमम अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। लेकिन सॉल्वेंट की डिफिनेशन में कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, और से सुनिएगा अच्छे से, 5 मिनट अच्छे से सुनिए फिर मैं डाउट लूंगा। जनरल डिफिनेशन यही है, कोई भी पूछे व्हाट इज द सॉल्वेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लेकिन कोई क्रॉस क्वेश्चन आपसे करे, क्या सॉल्वेंट का लार्जर अमाउंट होना नेसेसरी कंडीशन है, तो आप कहेंगे नहीं। आप खुद एनसीईआरटी का जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो फिर वहां कहीं कहीं पर लार्जर अमाउंट वाला सॉल्वेंट नहीं है, उसका रीजन है। जनरल डिफिनेशन यही है, द कंपोनेंट, बुक भी यही लिखता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिहाज से भी आपको डिफिनेशन आनी चाहिए। जनरल डिफिनेशन यही है कि जो लार्जर अमाउंट हुआ उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब आइए एक लाइन छोड़कर आप नोट लिखिए कि जनरल डिफिनेशन और से सुने। सॉल्वेंट के बारे में एक और इंफॉर्मेशन लिखिए, मैं फिर समझाऊंगा। द कंपोनेंट हूज फिजिकल स्टेट whose physical state is same as that of solution। याद रखिए, जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मिलेगा, चाहे वो मिनिमम में हो या मैक्सिमम में हो, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बारे में जैसे मैं अभी प्रूफ करूंगा,
सॉल्वेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये भी याद रखना है। तो याद रखिए सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट से मिलेगी वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, चाहे वो मिनिमम में हो या मैक्सिमम में हो। बताइए सबको समझ में आया यहां तक? सब लोग बताइए जल्दी से। अबू हुरैरा, ओके चलिए। लिख लिया सारे लोग? थैंक यू। जैसे HNO3 है प्लस वाटर मिलकर सॉल्यूशन बनाया, और से सुनिए। HNO3 गैस है, वाटर लिक्विड में है, ये 63% है, ये 37% है। तो बताइए जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। तो याद है यहाँ पर वाटर ही सॉल्वेंट होगा जबकि इसका अमाउंट कम है, क्योंकि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट से मिलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। बताइए आया सबको समझ में? सबको समझ में आया जल्दी बोलिए। जिन्होंने रिपीट करने को कहा है वो अपना नाम लिखें। मैं इस आईडी को मैं रिमूव कर रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप नाम लिखकर बताएं आप जिस आईडी पर आए हैं, आप नाम लिख दीजिए तभी मैं बताऊंगा कंसेप्ट या जो डाउट होगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको रिमूव करने जा रहा हूं। आप नाम बताएं जल्दी। अच्छा हरनूर आपको आ रहा है समझ में? हरनूर कॉन्ग्रेचुलेशन आप आए। अच्छा अफान आ गए, हाँ ये हुई ना बात, अफान तुम अपने नाम से आया करो। अरनूर आपको समझ में आ रहा है? ओके ओके, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा अरनूर। चलिए अफान मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो अफान, अमाउंट के फॉर्म में HNO3 ज्यादा था, फिर से सुनो अच्छे से, रिपीट कर देता हूं मैं। कोई भी पूछे सॉल्वेंट क्या है तो आप बताइएगा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक, ये जनरल डेफिनेशन है, हर जगह सही होगा लेकिन कुछ जगहों में आपका गलत हो जाएगा। तो एक सॉल्वेंट की दूसरी डेफिनेशन भी ये है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट से मिलेगा वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, चाहे वो मिनिमम में हो या मैक्सिमम में। मतलब ये कि लार्जर वाला जनरली सॉल्वेंट होता है, बट कुछ केसेस में लार्जर वाला सॉल्यूट भी हो सकता है। लार्जर वाला हमेशा सॉल्वेंट होगा ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बताइए बताइए समझ में आया? अफान जल्दी बताओ समझ में आया? आमिर आपको समझ में आ रहा? आमिर आमिर आप बताएं आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड।
अब आइए इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब, सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करके बताओ लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, जल्दी लिखकर बताओ। लिक्विड सॉल्यूशन मींस, जल्दी बताओ सारे लोग टाइप करो मैसेज, लिक्विड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट इज, जल्दी बोलो सॉल्वेंट इज। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हरमूर आप बताइए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हरमूर आप बताइए। अच्छा आवाज नहीं आ रही मेरी, चलिए कोई बात नहीं, गौर से सुनिएगा। हरमूर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखिएगा नहीं, लिखना नहीं है, गौर से सुनिए, इसी में समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, व्हाट इज द पहचान, गौर से सुनिए, सॉल्वेंट इज लिक्विड। और ये फर्दर तीन तरह का, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। मैं क्यों चैप्टर का ये नाम लिखा है, बुक में देखिएगा सॉल्यूशन नाम है लेकिन आपको पढ़ना लिक्विड। और याद रखिए पूरा चैप्टर यही तीन सॉल्यूशन को पढ़ना है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। नॉलेज तो हम सॉलिड का भी देंगे लेकिन ये पूरा चैप्टर में यही तीन के बारे में डिस्कशन है। राउल्स लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, सब इसी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग माइंड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले माइंड ये मेकअप कर लें, इस चैप्टर में हमें मेनली लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। हाँ सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड सॉल्यूशन की पहचान, सॉल्वेंट इज सॉलिड, ये तीन तरह का होगा, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। उसी तरह गैस सॉल्यूशन, ये भी तीन होगा, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस। लेकिन पर नौ तरह का सॉल्यूशन है, पढ़ना सिर्फ तीन है, इन छह के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना आईआईटी में, ना नीट में, ना ट्वेल्थ में। क्योंकि जब स्टूडेंट इस चैप्टर के डेप्थ में जाएगा दो तीन क्लास के बाद, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन होगा कि ये वाला इसके लिए क्यों नहीं है, ये वाला इसके लिए क्यों नहीं है। तो इसीलिए इस पूरा चैप्टर हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, सब लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। जब आप ये सब लॉ पढ़ेंगे तो आपके माइंड में खुद से क्वेश्चन आएगा कि जब चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है तो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, कहिए नहीं, हम इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है लेकिन मेन नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। जब तक ये माइंड मेकअप नहीं होगा आपको चैप्टर सही से समझ में नहीं आएगा, आप तो पढ़ लेंगे लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होगा। तो सच सच बताइए इस चैप्टर में हमें सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, और लिक्विड सॉल्यूशन की पहचान सॉल्वेंट इन लिक्विड और तीन ही होगी, गैस इन लिक्विड, इसमें पढ़िएगा हेनरीज लॉ, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। बाकी इन छह को के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ना है, किसी भी टाइप के एग्जाम में नहीं आएगा। बताइए सबको समझ में आया यहां तक, बताइए बताइए, यस या नो, हरनूर, हरनूर आया समझ में, सब लोग बताइए प्लीज, डिस्कशन में आरफा आपको समझ में आया,
वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबको साफ साफ दिख रहा है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आवाज भी क्लियर होगी? मेरी ऐसे भी आवाज बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी फायका अजीज आपको समझ में आ रहा है? आरफा यहां तक समझ में आया? आरफा खुर्रम, खुर्रम को समझ में आ रहा है? मोहम्मद जिशान, नवेद रजा, निदा हसन, सब लोग बताइए। टीचर जब पूछे तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, जब तक नहीं बोलिएगा तो कैसे क्लियर होगा? टीचर का साथ दीजिए, नहीं आएगा मैं दो तीन दफा बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच, रिस्पॉन्स करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आमिर बाबू आपको समझ में आया यहां तक? चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक पर आइए सारे लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। देखिए इस चैप्टर में शुरू का जो पार्ट है, पहला दूसरा तीन क्लासेस, गौर से सुनिए। जो टॉपिक है डिफरेंट मेथड, different method to express the concentration of solution, solution की concentration को हम कैसे express करेंगे। और याद रखिए जब भी concentration की बात होगी तो आप क्या समझिएगा, basic भी बातें कि amount of solute की बात होगी, amount of solute, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। पहले टॉपिक आराम से लिखिए फिर मैं बताऊंगा। पहले टॉपिक लिख लीजिए सारे लोग। बताइए टॉपिक लिख लिया? हनूर वगैरह सब लोगों ने लिख लिया? चलिए ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अच्छे से समझिएगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं जो आपने 11th में भी पढ़ा, लेकिन 12th में न्यूमेरिकल अप्रोच अलग है, इसीलिए ये दोबारा आपको 11th 12th में भी पढ़ना है चैप्टर। तो मैं इसको इस तरह पढ़ाता हूं, गौर से सुनिए। ग्रुप ए, ग्रुप ए में जो भी कंसंट्रेशन आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, गौर से सुनिए। टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करेगा, गौर से सुनिएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम की वजह से, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब इसमें चार है टोटल, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाय वी, नंबर टू मोलैरिटी, नाम सुना होगा, तीसरा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मैं पढ़ाऊंगा 12th के लैब के सिलेबस में है, टाइट्रेशन पढ़ना आपको लैब में, तो आपको एनसीईआरटी के थ्योरी में नॉर्मेलिटी नहीं आता है, लैब में आता है। चौथा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वी बाय वी। तो ये चार कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होता है। दैट द रीजन एक तो ऑब्जेक्टिव टैप भी बोर्ड में आएगा,
कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट की पहचान इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वो कितने हैं 4। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सब बताएंगे क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सच सच बताइए यहां तक आया कि नहीं आया, सारे लोग रिस्पॉन्स करें। अबू हुरैरा, आमिर, अरीज, आरफा, प्लीज सब लोग अरीज, हाँ अभी निदा बताते हैं, रुकिए अमा, हाँ बताते हैं रुकिए। हाँ आमिर, टेम्परेचर डिपेंडेंट की वजह ये मैंने लिखा है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। खुद सोचिए आमिर, टेम्परेचर चेंज, देखो ऊपर मैंने बताया था टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज करने पर कोई भी चीज एक्सपैंड होती है, बताइए आमिर आया। टेम्परेचर डिपेंडेंट की वजह आमिर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, जिस कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। ओके हाँ ऐसे पूछिए निदा, आपका डाउट ये था, कोई भी पूछे कंसंट्रेशन की मीनिंग क्या है, तो कंसंट्रेशन किसको बताता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ये चारों का मकसद एक ही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताना, फॉर्मूला अलग अलग है, मकसद एक है, सब बताता है कंसंट्रेशन को, चारों का काम एक है। ये मैंने बेसिक चीज बताई है कि मोर कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व है, समझ में आया निदा। हरनूर यहां तक समझ में आया, हरनूर प्लीज बताइए, आपकी बहुत फिक्र है हनूर। तो चार कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, चारों कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, क्लियर। अब आइए और से सुनिए, ये हुआ ग्रुप ए। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट मोलारिटी से शुरू करता, नहीं, पहले आपको कंसंट्रेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा टाइप है अनूर, आया अनूर, सबको बोर्ड दिख रहा है, सबको बोर्ड दिख रहा है, जल्दी बताइए सबको बोर्ड दिख रहा है ना। हाँ हाँ चलिए हरमोर, हरमोर आपको दिख रहा है, अब आइए ग्रुप बी। ग्रुप बी में गौर से सुनिए, ग्रुप बी में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का वजह नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, दूसरी मीनिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली मास, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। एक बात बताइए, W by V है, आप लोग लिखकर बताइए ये वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा कि मास पर करेगा कि दोनों पर करेगा, बताओ क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। नहीं, वॉल्यूम आ गया तो हम सिर्फ वॉल्यूम ही को देखेंगे, मास को नहीं देखेंगे।
हाँ सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे हर मोल, इसीलिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मैंने अभी लिखा है ना, डब्ल्यू बाय वी वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हाँ टेम्परेचर वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसीलिए मैंने दोनों मीनिंग लिख दिया, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली, ओनली को देखिए इसमें चार इसमें भी है, मोलैलिटी वॉल्यूम नहीं आता इसमें, परसेंटेज बाय मास, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वॉल्यूम नहीं आता, मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम नहीं आता, चौथा पार्ट्स पर मिलियन इसमें भी वॉल्यूम नहीं आता, पीपीएम। तो मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं ये चारों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि सिर्फ डिफिनेशन पढ़ लिया, वो तो अब हम पढ़ाएंगे इंडिविजुअली, पहले ये सब को समझ में आया कि आठ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, आठों पर न्यूमेरिकल आएगा और आठ में चार टेम्परेचर डिपेंडेंट है और चार इंडिपेंडेंट है। अब वजह के साथ मैंने बताया है, क्या सबको नहीं, नहीं वीडियो कट नहीं हो रहा है भाई, वीडियो कट जिससे हो रहा है वहां का नेटवर्क खराब होगा, इसलिए मैं अपने पास दो मोबाइल रखता हूं। क्या सबको वीडियो सही दिख रहा है? मेरे पास दो मोबाइल है, अगर मेरे मोबाइल में भी खराब आया तो हम समझ जाएंगे कि आपको भी खराब पहुंच रहा होगा। नवेद बहुत अच्छा, नवेद तुम्हारी तरफ से हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो। चलिए चलिए लिखिए लिखिए, सारे लोग लिखिए, सारे लोग लिखिए प्लीज, सारे लोग लिखिए। हाँ ये तो है आरिफ, मेरी तरह दिख रहा है। दानिश खान आपको समझ में आ रहा है? फायका अजीज, उमेर, उमेर आपको आ रहा है? जैनब, मोहम्मद जीशान, कुछ तो बोलिए। चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले सस्ता सारे लोग बताइएगा, टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों है और टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट क्यों है? ये कंसेप्ट सबको अच्छे से क्लियर हुआ? एक एक स्टूडेंट बताइए, तब मैं अब आगे बढ़ूंगा। सारे लोग आठ कंसंट्रेशन टर्म में, हाँ ये सबको आना चाहिए प्लीज। चलिए अब आइए, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम शुरू में तीन कंसंट्रेशन टर्म की मीनिंग बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। गौर से समझिए, पहला है, गौर से सुनना है, परसेंटेज बाय मास, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। पहले मैं फॉर्मूला फिर इसकी मीनिंग। तो डब्ल्यू का मतलब मास, वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सारे लोग जानते हैं, अभी न्यूमेरिकल भी दूंगा, घबराइएगा नहीं। लेकिन असल स्टूडेंट की पहचान ये है, प्लीज सुनिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। अभी टॉपिक ये डालिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये टॉपिक डालिए सारे लोग, ये टॉपिक डालिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्लीज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप देखिए लिखिएगा नहीं, पूरी केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, 11 12 सब मिलाकर।
कि सॉल्यूशन की मोलारिटी भी कंसंट्रेशन है लेकिन ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज के फॉर्म में तीन है, लिखना नहीं है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वी, तीसरा वी बाय वी। गौर से सुनिए अच्छे से, कोई भी पूछे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताइए, तीन, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वी, वी बाय वी। नाम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। पूरी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तीन है। कोई क्या, व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन, व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो पहले इन तीनों की मीनिंग समझेंगे, इन तीनों पर न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पूरी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एकदम अच्छे से देख लीजिए, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, वी बाई वी। ओके, अब देखिए इसमें पहला 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 है परसेंटेज बाय मास, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। प्लीज आप सुनिए, लिखिएगा नहीं। अगर किसी न्यूमेरिकल में, प्लीज सुनिए, 10% NaOH सॉल्यूशन और आप ब्रैकेट में लिखते हैं W बाई W, प्लीज सुनिए अच्छे से, देखिए सारे स्टूडेंट, तो इसकी इसकी मीनिंग आनी चाहिए, मीनिंग। और ये जब तक नहीं समझिएगा आपको आगे न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। 10% NH W by W क्या मतलब हुआ, तो गौर से सुनिए, इट मींस 10 ग्राम ऑफ NaOH मतलब सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों 100 लिया, परसेंटेज की वजह से। जब तक ये मीनिंग नहीं मालूम होगी आगे आपको प्रॉब्लम है। इससे दो चीज मालूम हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। बताइए यहां यहां से यहां तक आया कि नहीं, बोलिए 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 सारे लोग, सारे लोग यस बोलिए, या नहीं समझ में आया तो वो बोलिए। दानिश खान, दानिश अंसारी, दीपक कुमार, आमिर, क्या नहीं समझ में आया, 10% NaOH का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम, 10% को कैसे लिखते हो आमिर, 10/100, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज का क्या मतलब होता है बाबू, 100। तुमको फिजिक्स में 90% आया, क्या मतलब हुआ, 100 में 90। तो बेसिक में नहीं समझे, W by W का मतलब पहले ऊपर देखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब आओ इसकी मीनिंग, 10% NaOH सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आमिर देखो, 5% W बाई W क्या मतलब होगा, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आया आमिर, जल्दी बोलो आमिर, जल्दी बोलो, आया, सिंपल कंसेप्ट है, जल्दी बोलो, सच सच बोलो, झूठ मत बोलना, अगर आ गया तो पक्का लिखो, क्रिस्टल क्लियर लिखो। हरनूर आपको आया, हरनूर आया आपको, आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया, अब आप लोग एक का आंसर दीजिए, सारे लोग एक एक का आंसर। पूरी केमिस्ट्री में
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितने हैं, जल्दी टाइप कीजिए। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी है, जल्दी बोलिए। सब लोग हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपको डाउट क्लियर हो, आगे बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल में। वेरी गुड। कौन कौन लिख कर बताओ, बताओ कौन कौन, फिर से लिख के बताओ, बोलो। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, दूसरा बोलो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, वेरी गुड। तीसरा बोलो परसेंटेज बी बाई बी, बस हाँ वेरी गुड। अब तीनों की मीनिंग समझना है, तीनों की मीनिंग ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, यहाँ पीएचडी होगी, पीएचडी ऑर्किड में पीएचडी होती है, पूरा अच्छे से पढ़िए एक एक चीज को। कहीं पर ये लिखा हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आइए दूसरी मीनिंग की तरफ, तब फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। कहीं पर भी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, समझ जाइए कंसंट्रेशन है। डब्ल्यू बाई बी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बी बाई बी एकदम अच्छे से समझिए। दूसरा आमिर भाई ध्यान दीजिएगा, आमिर भाई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम डब्ल्यू बाई वी, मतलब ऊपर हमेशा सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, नीचे वी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। प्लीज सुनिएगा एग्जाम्पल, 6% NaOH, सारे लोग देखिए, खासकर आमिर भाई, W बाई V है, तो क्या मतलब हुआ, रिलेट कीजिए। 6 ग्राम ऑफ NaOH मतलब सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 तो होगा ही, 100। अब चूंकि वॉल्यूम है तो 100 ml बोलेंगे। बोलिए, सबको समझ में आया, हनूर आरफा दानिश खान सब लोग बोलिए प्लीज, समझ में आया। 100 ml स्टूडेंट जल्दी में 100 ग्राम लिख देता है। नवेद राजा को भी आ रहा है, माशाल्लाह। अलीशा को भी आ रहा है, आरफा को भी अच्छे से आ रहा है, माशाल्लाह। दानिश खान का रिस्पांस नहीं आ रहा है, ये दानिश खान कौन है भाई, कुछ भी नहीं बोल रहा है, दीपक भी कुछ नहीं बोल रहा है, खुर्रम भाई अच्छे आदमी है, जिशान भी नहीं बोला, अल्लाह मालूम टाइप करने आता है कि नहीं, लगता है इंग्लिश नहीं आ रहा होगा। उमर भाई भी कुछ नहीं लिख रहे हैं और जैनब भी कुछ नहीं लिख रहे हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लोग शरीफ आदमी है, मत लिखिए, इंग्लिश नहीं आती होगी इन लोगों को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, सारे लोग सुनिए। एक तीसरा टर्म फिर न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कराएंगे, गौर से सुनिए। तीसरा टर्म्स है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वी बाई वी, अच्छा जिशान भाई आप बोल रहे हैं, माशाल्लाह वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आरिफ भाई समझिएगा, किसी न्यूमेरिकल में अगर दिया हुआ 20% HNO3 सॉल्यूशन वी बाई वी, व्हाट डज मीन, इसका मतलब ये होगा, इट मींस 20 ml वी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए हरनूर, सारे लोग बताइए, मीनिंग सबको समझ में आई,
ये तीन कंसंट्रेशन टर्म हमने बताया, बताइए बताइए समझ में आया? चलिए मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए। यहां तक जो पढ़ाया है उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कीजिए। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ओके ओके, थैंक यू दानिश, थैंक यू सकलैन। अरमान भाई आपको समझ में आ रहा? अरमान भाई दिख रहा है आपको? ए दीपक, दीपक तुम तो पीएचडी कर रहा हो, बताओ यार कुछ क्यों नहीं बोल रहा? अभी पूरा नाम, तुम मेन बैच में क्यों नहीं आए थे? तुम हर बैच में आ जाते हो, मेन बैच में क्यों नहीं आए आज? चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत आसान है, देखिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 200%, अल्लाह माशाल्लाह। चलिए यहाँ देखते हैं, पहली बार क्वेश्चंस में पहला, और नूर देखिएगा और आमिर भाई देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कौन है NaOH, कितना है भाई? 120 ग्राम। हाँ एक मिनट, आप सुनिए सुनिए सुनिए, अब टीचर पढ़ा रहा है तो आप देखिए, सबका आंसर मैंने चेक कर लिया। यहाँ देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 kg, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। पहला पार्ट, परसेंटेज W by W, व्हाट मीन इसका फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट। अब इतना आसान क्वेश्चन ना हो पाए तो अफसोस बात है भाई। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 120।
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2000 इनटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल, 6% जिसका भी आंसर आया वो सही है पहले का, और जिसका आंसर नहीं आया वो बताइए समझ में आया कि नहीं। मैं बच्चे की तरह लिख दिया हूँ। हरनूर गिल आप बताइए, आमिर भाई आप बताइए, आरफा, फायका अजीज, बहुत अच्छे आमिर, बहुत अच्छे आमिर, बहुत अच्छे, मैं देख नहीं पाया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन आमिर, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास से और साफ दिखेगा, मैं राइटिंग पैड पर लिखूंगा आजम सर की तरह। ऐसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, फिर भी राइटिंग पैड से ये होगा कि जिसका थोड़ा सा नेट वीक भी होगा उनको भी साफ दिखेगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। हाँ ये भी सही है, उसमें भी कर देंगे दोनों। अब आइए दूसरा वाला पार्ट देखिए, दूसरा वाला पार्ट सारे लोग सुनिए। हाँ ठीक है अलीशा, ठीक है और से सुनिए। अच्छा ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहला काम फॉर्मूला लिखेंगे इनटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सच सच बताइए सही लिखा, मास ऑफ सॉल्यूशन 2 kg, 2000 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, तो क्या हो जाएगा 1000 ml। सच सच बताइए, पहला स्टेप सबको समझ में आया, वॉल्यूम 1000। अब सुनिए यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा, क्यों, ग्राम पर ml है तो ml में आएगा। सच सच बताइए आया कि नहीं, वॉल्यूम निकालना सबको समझ में आया। अब देखिए यही चीज यहां पुट कर दीजिए, यही चीज यहां पुट कीजिए, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000। पहला कंफ्यूजन दूर कर लो, एक मिनट सुनो अच्छे से, एक मिनट सुनो, मैंने क्यों अलग करके पढ़ाया है, जब भी कंसंट्रेशन, अभी आमिर अभी रुकिए, सारे लोग पहले सुनिए लेक्चर को, पहले सुनिए, जब भी कंसंट्रेशन परसेंटेज के फॉर्म में हो तो वॉल्यूम हमेशा एमएल में लेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसलिए अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, जब भी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो तो वॉल्यूम हमेशा एमएल में लेंगे, इसलिए 1000 ml ही रहेगा, लीटर में कन्वर्ट नहीं करना है।
लीटर में रहे मिलीलीटर में लाओ। ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये कहां है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंट। इसलिए कुछ का 12%, इसलिए कुछ का आंसर आ रहा था 200, भाई 200 कैसे हो जाएगा, ये आंसर आया। किसी का आ रहा था 1200, बताओ बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, कितना आसान था। एकदम अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब भी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो तो वॉल्यूम हमेशा हमेशा एमएल में ही रहेगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर देता हूं, तुम लोग बना के दिखाना, लोग बहुत अच्छे आदमी हो ना जाने क्यों। क्वेश्चन नंबर टू, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स सिक्स परसेंट, हाँ जीशान तुम हंस लो, तुम हंस लो, 6% एनोइस डब्ल्यू बाई बी फाइन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, ए ऑप्शन 3%, बी ऑप्शन 12%, सी ऑप्शन 5%, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। अपने से बनाओ इसको, अपने से बनाओ। माशाल्लाह सब आए, हर नूर आप बताइए, सब लोग थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा चलिए 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 मैं बताता हूं आपको, मैं दो तरीके से समझाता हूं, दो तरीके से सुनिए अच्छे से, दो तरीके से। पहला मेथड गौर से सुनिए प्लीज, सारे लोग सुनिए, हाँ मेथड फर्स्ट, सिक्स परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन ए वेट, प्लीज सारे लोग देखो क्या मतलब हुआ, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एकदम देखो प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको इससे दो चीज मालूम हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, और नोट देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम। ये दो इंफॉर्मेशन आपने निकाल लिया, याद रखिए हमेशा। अब आइए हमें अच्छा W by W दिया हुआ था कि W by V दिया हुआ था? W by V था ना शायद? अच्छा 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 हाँ 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 सॉरी सॉरी 100 ml तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट 100 ml। अब समझ में आ गया सबको? ओके ओके 100 ml हमें निकालना है। जब भी कोई चीज कहे पहले आप उसको लिखिए और नोट सारे लोग देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है आपको 6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है देखिए ऊपर 100 ml। आप सबको समझ में आया? जब भी परसेंटेज के फॉर्म में कंसंट्रेशन दिया हुआ हो आप उसकी मीनिंग लिखो, उससे इंफॉर्मेशन निकालो, तब तुम्हें आसान लगेगा। इसलिए हमने आपको एक एक चीज पढ़ाई है। देखो इंपॉर्टेंस देखो, जब तक तुम्हें मीनिंग नहीं आएगी न्यूमेरिकल प्रोसीड करने नहीं आएगा। वो 100 इंटू डेंसिटी 2 है 200 ग्राम, बस हो गया। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 इंटू 100, कितना आसान 3%। जिसका भी 3 आया बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से एक टॉफी लो, खा लो खा लो। सबको समझ में आया? सच सच बोलो। देखो तोड़ तोड़ के न्यूमेरिकल को करोगे बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। बताओ 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 अबू हुरैरा जल्दी बताइए। ओके सबको आ रहा है आरफा, सब लोग बताइए प्लीज। हाँ कोई बैठे मत रहिए। अरमान आ रहा है, आमना, आमिर, आमिर का तो आ गया था, अलीशा, दीपक कुमार, फायका अजीज, हरनूर गिल प्लीज रेस्पॉन्स, खुर्रम, सकलैन, उमर, जैनब, सबको अच्छे से आया कि नहीं आया? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जीशान देखो तुम रिपीट करने को कह रहे हो, कोई बात नहीं है। देखो जीशान पहले इसकी मीनिंग लिख लिया, 6% W by V, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जीशान प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम इससे दो इंफॉर्मेशन निकाल लिए, मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। W by W को क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जिशान मालूम नहीं था, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी दिया हुआ था जिशान 200, वैल्यू पुट करो आंसर। अच्छा अब देखो अच्छे से, ये हुआ स्कूल लेवल। अगर यही ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको स्कूल लेवल मैंने तो अभी ऑब्जेक्टिव दिया, तो शॉर्टकट कैसे करोगे कि तुम्हारा टाइम बच जाए, शॉर्टकट कैसे करोगे इसको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्टकट और से सुनो अच्छे से, नोट लिख कर मैं बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। परसेंटेज W by V इज इक्वल टू परसेंटेज W by W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये याद कर लो बाबू, ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम देगा। तो आप बताओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में W by V दिया हुआ था 6, W by W मालूम नहीं था, डेंसिटी 2 दिया हुआ था, दिस इज आसान। देखो 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 कितना आसान लगा।
10 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर आ जाएगा। बोलो बाबू बोलो, पहले मैंने डिटेल में समझाया। अरे कोई बाबा भी नहीं कर रहे हो यार, इतना अच्छा बता दिया तुम्हें। बोलो बोलो बोलो, आया आया कि नहीं? अनोर गिल आ गया। इतनी अच्छी चीज पढ़ा दिया यार। दस सेकंड में हो जाएगा, 10 सेकंड में। मेरा मकसद है आपको दोनों अप्रोच सिखाना, दोनों अप्रोच सिखाना। चलो चलो, एक लास्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन पर एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए अलीशा, कुछ नहीं है फॉर्मूला, डब्ल्यू बाई बी को अलीशा परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये रिलेशन याद रखिए, आपको डब्ल्यू बाई बी दिया हुआ 6, ये निकालना है। डेंसिटी 2, 3 नहीं आ गया। बोलिए अलीशा अलीशा अलीशा, आपने रिपीट करने को कहा था, फॉर्मूले में पुट कीजिए आंसर। चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन, सबको अच्छे से आ रहा है कि नहीं जल्दी बताइए, आ रहा है ना सबको? अरनूर आप बताइए, मुझे डर लग रहा फिर आप चली जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है ना? अरनूर गिल आपको, हाँ लगातार पढ़िए अरनूर, बहुत केमिस्ट्री में बहुत मैं मजबूत करा दूंगा, बस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 8 ग्राम पर ml, कैलकुलेट परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, 2%, 0.02%, 2.5%, नन ऑफ दिस। पाइथागोरस आप बताइए आपको आ रहा है कि नहीं? आरफा आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, जितना पढ़ाया आया कि नहीं अच्छे से? पाइथागोरस आप पे, पाइथागोरस आप न्यू हॉरिजन की हैं, पाइथागोरस आप न्यू हॉरिजन की हैं, प्लीज बताइए। सबका आंसर आना चाहिए, सबका। देखिए परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 0.8 इनटू 100, 80 ml हो गया, 80 ml। बस अब आप डाल लीजिए परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू
टू है, 80 है, इंटू 100 है, कैंसिल। 10/4 2.5%, जिसका आंसर सी है। तो बताओ सारे लोग एक दफा, परसेंटेज कंसंट्रेशन का क्वेश्चन अब तुम लोगों से हो जाएगा, यस या नो? परसेंटेज कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल डिटेल शॉर्टकट सब हो जाएगा तुमसे। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज पहली क्लास है तो आज मैं कम पढ़ाऊंगा, आज इतना ही रहने दीजिए, और नेक्स्ट क्लास मेरी थर्सडे को है। कोई डाउट है तो बोलिए, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, आज पहली क्लास है, थोड़ा कम पढ़ाऊंगा मैं। बताइए किसी को डाउट तो नहीं है, सब समझ में आ गया सबको? चलिए आज इतना ही, ओके बाय बाय टाटा। हाँ नहीं, चाय आ गई, मेरी वाइफ चाय पिलाई है, मेरी वाइफ चाय पिला दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, फर्स्ट चैप्टर होगा यार, तुम काहे घबराते हो, पहले पढ़ो ना, सब चैप्टर होगा, घबराते काहे हो यार। ओके बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज।